और चमत्कारी हैंडपंप के बाद सूरजपाल की चाय की भी बहुत चर्चा हो रही है। कई महिला समर्थकों ने यह दावा किया है कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले यही चाय पिलाई जाती थी, जिसके बाद सूरजपाल अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगता था। गांव की ही एक महिला ने इसी चाय को बना के दिखाया कैमरे के सामने, जिससे ये दावा किया जाता है कि बीमारी ठीक हो जाती है। देखिए, बाबा के मामले में एक इम्पॉर्टेंट जिक्र चाय का आ रहा है कि जब कोई कार्यक्रम होता है तो लोगों को चाय पीने के लिए दिया जाता है। हमारे संग एक माताजी मौजूद है, वो बता रही है चाय पीने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। आपको आँच पे दिखाई देगी बर्तन में वो चाय पकती हुई। खास बात इसमें अलग क्या है कि इसमें पीपल का पत्ता भी डाला गया है और एक तरीके की जड़ भी डाली गई है लाकर, जो पास में मिलती है। पीपल का पत्ता आपको ऊपर उबलते दिखेगा और हाथ में नींबू लेकर देखिए महिला बैठी हुई है। क्या है जरा चाय के बारे में बताइए। नींबू, चाय, अदरक, गोच, पीपल पत्ता, चीनी है, चाय और क्या। ये कब बनती है? हर दिन बनाते हैं आप लोग? कब कब बनाते हैं? कोई समस्या आती है, कोई बीमार आते तब तो कोई मतलब कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उनका सत्य के साथ भजन कर रहे हैं तब बनाते हैं। घर में बीमार पड़ गया तो क्या करते हैं? तब नहीं बनाते, मतलब उनका नाम लेके और जाप करके वो दे देते बच्चन को, तो आराम मिल जाता है उनको। अमृत अमृत तो उनको रहना है वहाँ पे बहादुरनगरी वालों। अब जो नल को पानी भर लेते हाथ पाँव धोए सफाई सूरत उनके नाम से लेके जाप करके दे दे तो आराम मिल जाता है। पीने के बाद आराम मिलता है? कुछ हल्का सा लगने लगता है? कैसा लगता है कि नींबू भी उसमें डाल? तब बुखार उखार हो तो उतर जाता है और कहा। तो इसकी कुछ जड़ी बूटी गुड़ है ऐसा कि बाबा के प्रताप से ये सब? आप सोच जाती थी बताने जड़ी बूटी तो जाएंगे, जड़ी बूटी दिखाई ही रही आपको। तो आप बता रही हैं वहाँ कार्यक्रम में जाती हैं तब बनता है ये? उस कार्यक्रम में मिलती है चाय ना? जो सवित पहुँच जाए उसे मिल जाए, जो ना पहुँचे उसे ना मिले, और जो 11 बजे पहले पहुँचे उसे मिल जाए। तो जब पीती हैं तो बाबा किस किस रूप में दिखाई देते? आप बोल रही थी हनुमान जी। इसी रूप में ना, हनुमान रूप में ना कहूँ, जिसे दिखाई दे वे लोग कहते हैं कि हमें इस रूप में दिखाई दे, हमें इस रूप में दिखाई दिए। हाँ जब आते हैं सबको ना दिखाते हैं। नहीं प्रसाद है, प्रसाद है। कौन बनाना सिखाया आप लोग को ये चाय? जहाँ पे छोटा मोटा सत्संग होता था प्रोग्राम वहीं बनता था, हर जगह नहीं बनता। जहीं पे मतलब सत्संग होता है उसी जगह बनाया जाता है, वहीं बांटा जाता है आरती होने के बाद। ये चाय बहुत फायदा देती है, आप लोग मानते हैं कि इससे दुखों का अंत हो जाता है? हाँ। क्या जैसे आपके जीवन में कुछ हुआ हो जिससे चाय ने फायदा दिया हो? चाय तो मतलब शरीर में जैसे कोई दिक्कत है तो उससे चाय से ही काफी आराम मिल जाता है शरीर में। बताइए कभी आपके साथ हुआ हो, कोई बीमारी हुई हो, चाय से फायदा मिला? भाई हमको तो मिला, हम झूठ क्यों कहें? बताइए क्या हुआ था? ये शरीर में कोई भी बीमारी सी जैसे हो तो उसे इसे पीने से आराम मिला हमें। हाँ बच्चे में बता चुके आपको, बार बार पूछ रहे भाई। तो मैं बच्चा कभी बीमार पड़ा हो और उससे फिर इलाज हुआ हो? हाँ बच्चा बीमार पड़ा, रात रात बुखार आ जाए तो उनको नाम लेके और मेरे तो दे देते हो सही हो जाते। चाय के आगे कैसे नाम लेती है, उनका क्या प्रार्थना करती है जरा बताइए? या मंदिर में लेकर जाती है हाथ जोड़कर प्रार्थना? मंदिर में जाके हाथ जोड़ के चले चाय अब काली मिर्च परी ना। अच्छा ठीक है, तो आप जाते हैं वहाँ पर ले जाके मंदिर में ऐसा हाथ जो कैसे करती हैं, हाथ जोड़ के बताइए जरा कैसे प्रार्थना करती हैं? ठीक है, तो देखिए आपको बता रही हैं कि कैसे ये पूरी चाय है, एक तरीके का विचार है इन लोग का, इसको लेकर कहना है कि जब प्रार्थना भगवान के सामने ले जाकर करती हैं तो उससे बड़ी राहत उनको मिलती दिखाई देती है। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई और इसी के साथ बाबा साकार हरि फरार भी हो जाते हैं। अपना वकील उन्होंने नियुक्त कर दिया है सीनियर एडवोकेट एपी सिंह को, हाईकोर्ट के जो कि वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। सब साथ में सेवादार थे ही, आयोजक मंडल कमेटी सब थे ही, तो पूरा परिवार ही था। तो उनकी मौत हुई है तो उनकी भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी तरह से चल रही है। हार्ट पेशेंट भी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं, लेकिन हमें कानून व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जांच के लिए पूरा भरोसा है, इनाम की हमें कोई बात नहीं। हम बहुत जल्दी आपको विश्वास देते हैं आपके माध्यम से, पूरी तरह से बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें एसआईटी के सामने हम पेश करेंगे उन्हें, जिससे कि आगे की प्रोसीडिंग सही हो सके। थोड़ा सा वक्त चाहिए, बहुत दुखी मन है, सब परेशान हैं, और वो भी कोई हैबिचुअल प्रोफेशनल, कोई क्रिमिनल नहीं है। देव प्रकाश मधुकर
उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कभी का, बहुत शिक्षित वर्ग से हैं, इंजीनियरिंग के पेशे से आते हैं, समाज को दिशा देने का उन्होंने काम किया। बहुत जल्दी हम जैसे ही डॉक्टर स्टेबल करेंगे हम मधुकर को पुलिस के समक्ष अपने आप स्वयं से प्रस्तुत करेंगे, ना हम कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं, ना कोई कुछ करने जा रहे हैं, सीधे सीधे हम प्रस्तुत करेंगे ये बात। हाथरस हादसे को 72 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जिस सत्संग में जो कथावाचक था वो फरार है, वो कब सामने आएगा इसको लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जख्म मिले हैं उन जख्मों पर सहानुभूति का मरहम लगाया जा रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि बाबा को, सूरजपाल बाबा को, चमत्कारी बाबा को ढूंढ के लाओ। कार्रवाई के नाम पर आपको बता दें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने भी कई बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन बाबा कब सामने आएगा, कब बाबा की गिरफ्तारी होगी, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।